पकाया जाता है। इथेल के घोल में जो है से डिप करके 5 मिनट निकाल लें, तब पकाएं और पेटी बंदी करके भेज दें, या राइपनिंग चैम्बर होता है इथेल गैस से में पका करके तब भेजें, तो वो नुकसान नहीं होता है। और जो कार्बाइड से पकाते हैं वो नुकसान करता है। और किसान भाइयों को हमेशा हम सुझाव देते हैं कभी भी कार्बाइड से पका हुआ आम जो है बाजार में न बेचें। पिछले ना इस बार चूँकि टेम्परेचर का उतार चढ़ाव ज़्यादा रहा, जो जो शुरू में रहा तो वो उसमें तो सेटिंग ठीक हुई, लेकिन जो बाद में जो बौर आया उसमें एक बाय एक तापमान अधिक होने के कारण फल सेट होने के बाद फल ड्राप हो गया तापमान अधिक होने से। बौर तो अच्छे आए लेकिन तापमान एक बाय एक बढ़ जाने से जो फल सेट होकर गिर गए तो उससे जो हमारी फसल कमजोर हो गई। 35-40% बौर था आम और हो सकता है वो 20% तक इस समय फसल आए। बेमौसम बारिश वक्त से ज्यादा कम है, जैसा कि निदेशक आप भी बता रहे थे कि अब हमेशा जो फसल होती है उससे इस बार थोड़ा आम कम है। लेकिन ये जान लीजिए कि इस बार जब आप मार्केट जाइएगा तो सिर्फ चौसा, लंगड़ा या तोतापरी ही नहीं मांगिएगा, जितना निदेशक साहब ने आपको वैरायटियां बताई हैं उनमें से भी एक आध वैरायटी मांगकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका दशौक से खाया जाता है, आप भी दूसरे इलाकों के आम को ट्राई ज़रूर कीजिए।